हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, आपको मैं आज लेकर जा रहा हूँ 84 मंदिर और भरमौर के मेन बाज़ार की तरफ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों व्लॉग की साइड। तो गाइस यार, अभी हम पहुँच चुके हैं मेन बाज़ार भरमौर में और इसके बाद मैं आपको 84 लेकर जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं बाज़ार से होते हुए 84 की तरफ। तो दोस्तों ये है बस स्टैंड भरमौर और ये सामने जो है ये गेट है, मेन गेट बस स्टैंड का। तो गाइज इसी गेट से होते हुए जो है 84 को रास्ता जाता है। जो है हम यहाँ पर होटल में आ चुके हैं और हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हमने अभी चाउमीन ऑर्डर की है जो अभी बन रही है। तो गाइस यार, यहाँ पर हमारी चाउमीन जो है वो आ चुकी है और ये है मेरा भाई हनी और ये देखिए यहाँ पर सभी चाउमीन वगैरह जो है वो खा रहे हैं। तो गाइस अभी हम चाउमीन वगैरह खा के जो है वो निकल चुके हैं और चलते हैं 84 की तरफ। तो गाइस यार, ये है 84 का मेन गेट और यहाँ से जो है मतलब आगे 84 मंदिर हैं। तो गाइज ये सामने जो ये राइट साइड में मंदिर है, ये है श्री गणेश महाराज का मंदिर। तो दोस्तों ये है 84 का प्रांगण और चलते हैं गणेश जी के मंदिर की तरफ। ये देखिए साइड में यहाँ पर लिखा भी है श्री गणेश जी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए ये है कला मंच, यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर ढोलकी वगैरह लगाते हैं मेले टाइम। और ये है दोस्तों लखना माता देवी का मंदिर और ये सामने है शिव जी का मंदिर। तो गाइस यार, मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस यार, अभी हम पहुंच चुके हैं शिव जी भगवान के मंदिर में जो कि 84 का सबसे बड़ा मंदिर है। तो चलिए दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मंदिर है ये, अंदर चलिए। ये देखिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए शिव जी भगवान के। ये देखिए काफ़ी विशाल शिवलिंग जो है यहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों एक बार जो है 84 मंदिर ज़रूर आएं और इस मंदिर में शिव जी भगवान के दर्शन कर लें। दोस्तों अब चलते हैं हम नंदी बैल के मंदिर की तरफ और ये सामने देखिए ये है नंदी बैल का मंदिर। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में आपको एक खास बात बताऊंगा मैं, तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले तो नंदी बैल के दर्शन कर लीजिए। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी मूर्ति है और आपने शायद एक बात नोटिस नहीं की होगी, ये देखिए पीछे से इनकी जो मतलब इनकी पूंछ जो है वो कटी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं चित्रगुप्त जी के पास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, चित्रगुप्त जी के पास। गाइस ये देखिए यहाँ पर जो है ये है चित्रगुप्त जी, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। और गाइस ये आपको कटघरे की तरह जो दिख रहा है, यहाँ पर जो है मरने के बाद हमारी आत्मा यहाँ आती है और यहीं पर जो है हमारे मतलब पाप और पुण्य का हिसाब होता है दोस्तों। दोस्तों ये पैर से जो बने हैं अंदर, यहाँ पर हमारी आत्मा खड़ी होती है और ये बॉक्स सा किताब है जिसमें हमारा लेखा जोखा है। और गाइस ये है विश्व प्रसिद्ध धर्मराज जी का मंदिर। गाइस ये मंदिर जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही है, सिर्फ एक, जो कि भरमौर में है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं कुफरी की तरफ, जो जहाँ पर जो है लोग नहाते हैं। तो हे गाइस, हम अभी पहुँच चुके हैं कुफरी में और चलिए चलते हैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं नहा रहा है और दोस्तों काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर नहाते हैं पर आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। पहले मैं आया था तो बहुत से लोग थे, अभी कोई भी नहीं है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो गाइस ये है कुफरी जो कि भरमौर में 84 मंदिर में है
और ये देखिए यहाँ पर जो है लोग सारे नहाते हैं, और इसको श्री विष्णु चरण भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर जो है ये मिट गया है तो दिख नहीं रहा अच्छी तरह। और ये है श्री कल्पलेश्वर महादेव, ये देखिए दोस्तों। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।